जितने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिंपली मिल जाएगा गाइस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सिंपली वीडियो को देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपका अकाउंट अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोट करूं, तो यार आप सभी को क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। और मेरे को जो वीडियो में आपको एक कोड मिलेगा, वीडियो के स्टार्टिंग में एंडिंग में बीच में कहीं भी मिल सकते, तो कोड को मतलब ध्यान से देखना गाइस, ठीक है। तो कोड आप सभी को मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री में प्रमोट करूंगा, ठीक है गाइस। सो वीडियो को ध्यान से देखना। एंड गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक वीडियो को लाइक कर दो। एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे रेड कलर का बटन दबा दो, क्योंकि यार हम 2000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस, आप सभी को करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आप सभी करना क्या, कैसे देखिए, पहले इस बैकग्राउंड का आप सभी को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वीडियो को देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना, फिर गाइस के बाद आपको एड फोटो में जाना है, ठीक है। एंड मॉडल को ले लेना, ठीक है। एंड मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले सीरीज करा है, जिसको बैकग्राउंड रेस करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दे रखे हैं वीडियो के, दोनों वीडियो देख लेना, मैंने दोनों में प्रॉपर समझा रखा है। तो गाइस, हमने पहले मॉडल को लिया है गाइस। अब हमारा क्या काम रह जाता है गाइस, पहले आपको सभी को उसको पहले एकदम इस तरीके से फिट करना है गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को इसका बैकग्राउंड रेस करना है, मतलब बैकग्राउंड नहीं, मतलब ये जो गाइस साइड में जो आ रहा है गाइस एक्स्ट्रा पार्ट, इसको रेस करना है। तो गाइस, हम इसको इस वाले लाइन के पीछे ले जाना, तो हम इसको रेस करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो हम इसको रेस कर लेते पहले, ठीक है गाइस। पहले हम इसको रेस कर लेते गाइस इस तरीके, ठीक है। एंड गाइस, थोड़ा ध्यान से गाइस टाइम दे के करना गाइस, क्योंकि यार थोड़ा ये हार्ड काम है, तो गाइस इसलिए थोड़ा मतलब हार्डनेस ये सब आप चेक कर करके करते रहना, ठीक है गाइस। तो ये मैंने कर लिया गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या, डन करना गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को क्या करना गाइस, सो गाइस आप सभी को जाना है, उसके बाद गाइस टूल्स में जाना है, ठीक है गाइस। टूल्स में जाने के बाद गाइस, अब आप सभी को एडजस्ट में जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद गाइस इसकी ब्राइटनेस को कम कर देना गाइस। एंड इरेजर टूल में जाना गाइस, ठीक है। एंड इसको इन्वर्ट कर देना। एंड गाइस, ब्रशेस में जाके आप सभी को सिंपली नीचे शेडो क्रिएट करनी गाइस, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। आप सभी को ऐसे शेडो क्रिएट कर लेना। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ से डन करना है। एंड गाइस, की ओपेसिटी को आपको कम करना है, ठीक है गाइस। लाइक जितनी हमारी होती है शेडो गाइस, उस हिसाब से रखना गाइस, ठीक है। एंड डन कर लेना गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद टूल्स में जाना दोबारा, एंड एडजस्ट में जाना है, एंड ब्राइटनेस बढ़ा देनी है। इरेजर टूल में जाना गाइस, ठीक है। एंड इसमें हम करेंगे 2001, ठीक है। तो इसको इन्वर्ट कर देते हैं, एंड इसमें जाके हम इसमें इस तरीके से गाइस शाइन इफेक्ट देंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से एंड डन कर देंगे। एंड गाइस, ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से देख लेना, 2-3 के आसपास रख लेना, 2-3, 7-8 जो भी है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस ऐड फोटो में जाना गाइस, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ये वाला पीएनजी पार्टिकल का पीएनजी लेना गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को सिंपली इस तरीके से लगा लेना है। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड आप सभी को रखना है गाइस स्क्रीन, ठीक है गाइस। तो हमने इसको रख लिया। एंड गाइस, करना है सिंपली डन, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइस, दोबारा एक और पार्टिकल का पीएनजी लेना गाइस, ठीक है। तो ये वाला पीएनजी वैसे गाइस आपकी मर्जी, अगर आपको लगाना हो तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, बट गाइस मैं आप सभी को दे दूंगा, आपकी मर्जी, ठीक है। ठीक है, तो मैं फिर भी मैं गाइस लगा लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको लगाना गाइस आप सभी को। एंड उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड आप सभी को स्क्रीन रखना, ठीक है। एंड इसके गाइस, जो भी इसकी ओपेसिटी ना गाइस, हमें थोड़ी कम रखनी है, ठीक है गाइस, ओपेसिटी कम रखनी है। तो हम ओपेसिटी में जाएंगे, एंड इसको हम देखेंगे इस कितना रखना है, ठीक है गाइस। तो हम इसे रखेंगे 30 के आसपास रख लेना, 30-28 जो भी है, ठीक है, जितनी रख लेना। एंड इसको मतलब इसके साइज़ को नीचे रखना है, ठीक है। एंड डन कर लेना है, ठीक है। तो हमारे बैकग्राउंड पीएनजीज तो लग चुके हैं, तो गाइस हम फोटो करेंगे सेव, एंड करेंगे कलर करेक्शन, जो कि करते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। तो गाइस फोटो कर लेते हैं सेव, एंड चलते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है। सो बैक चलते हैं। एंड गाइस, अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, क्योंकि यार मैं आपसे बिकला रोजाना एक एक कंटेंट लाता हूँ। एंड गाइस, दिन में तो कभी कभार 3-4 वीडियो हो जाती है, ठीक है। तो यार प्लीज़ यार आपसे बिकले इतनी मेहनत करते, लाइक कर देना यार। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है। तो गाइस, मैं फोटो का ऐड कर लिया है। तो गाइस, अब क्या करना है, फोटो को ओपन करना है गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस, आपसे कोई लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, इस पर जाना है, ठीक है। इसके कॉन्ट्रास्ट को आपको कम नहीं गाइस बढ़ाना है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है, हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। शेडो को तो कम करना है, ठीक है। एंड ब्लैक को भी कम कर लेंगे हम, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस, हमारे क्या काम रह जाता है गाइस, अब चलना है गाइस इस वाले थर्मामीटर वाला आइकन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद मिक्स में जाना है, रेड कलर के ह्यू को बढ़ाना है, ठीक है, कम करना है गाइस ह्यू को, ठीक है। एंड उसका ऑरेंज कलर में जाना है, ल्यूमिनस को बढ़ाना है, सैचुरेशन को थोड़ा सा नहीं गाइस सैचुरेशन रहने दीजिएगा, ठीक है, सैचुरेशन को मत करना, डन कर देना है। एंड नीचे वाले टूल में जाएंगे, ठीक है, नीचे वाले टूल में ये जो आपको दिख रहा होगा गाइस, ठीक है, इस वाले टूल में चलते हैं। एंड उसके बाद फोटो क्लियरिटी को बढ़ाना गाइस थोड़ा सा आप सभी को, ठीक है। एंड विग्नेट डाल देते हैं थोड़ा सा गाइस, ठीक है, थोड़ा सा विग्नेट। एंड उसके बाद गाइस आप सभी का काम रह जाता है, नीचे वाले टूल में जाना गाइस, फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड इसके बाद नो डायरेक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना गाइस, ओके। सो नो डायरेक्शन को बढ़ा देते हैं, एंड कलर नो डायरेक्शन को भी बढ़ा ले देंगे, ठीक है, कलर नो डायरेक्शन को भी बढ़ा लेंगे। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को करना है गाइस, ठीक है। तो आप सभी को जाना है इस पर सिलेक्टिव टूल में गाइस, ठीक है, इसमें यार ये वाला ऑप्शन लेना गाइस आप सभी को। एंड इसको गाइस नीचे से प्रेस करके इसे ऊपर की तरफ लाना है, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें लाइट वाला ऑप्शन में जाना है, एक्सपोजर को कम करना है गाइस, ठीक है।
एंड गाइस फोटो हमारी एडिट हो चुकी है। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।